इस समय आप सुन रहे हैं एकादशी के बारे में कि एकादशी कब की है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से जानते हैं, जो कि एकादशी अब के बार 1 फरवरी को पड़ रही है, 1 फरवरी 2023 जन बुधवार। यह एकादशी 31 जनवरी को दोपहर में 11:53 पर आरंभ हो जाएगी, लेकिन उदिता की वजह से उदिता तिथि में नहीं है, इसलिए 31 तारीख को नहीं मानी जाएगी। 1 फरवरी को एकादशी उदिता में है, भोर में है, इसलिए सभी हरि वैष्णव जन 1 फरवरी बुधवार को ही एकादशी का व्रत करें। एकादशी हम सनातनी लोगों के लिए, हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा व्रत है। हर महीने में 2 एकादशी आती है, नारद पुराण के अंतर्गत लिखा गया है। एकादशी का महत्व तभी बढ़ता है जब महीने की दोनों एकादशियों को किया जाए। इस प्रकार से एक वर्ष में 24/11 होती है एकादशी होती है, लेकिन जब अधिक मास पड़ता है तब इनकी संख्या 26 हो जाती है। जब तक 26 एकादशी न पड़े तब तक आप एकादशी का उद्यापन न करें। एकादशी का उद्यापन तभी मान्य होता है जब कम से कम आप 26 एकादशी कर लें। एकादशी का व्रत स्त्री पुरुष दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, विशेषकर है शांति तो देता ही है, संतुष्टि देता है, अपराधों को क्षीण करता है और मृत्यु के तत्पश्चात वह मोक्ष को प्रदान करता है। और हमारे इस भारतीय संस्कृति में एकादशी का इतना महत्व है कि वर्ष में एक बार तो लोग निर्जला एकादशी करते हैं, जिसमें यहाँ तक कि जल भी ग्रहण नहीं करते, पानी भी नहीं पीते, और एकादशी के दिन सभी अपराध हैं वो सब चावल में रहते हैं। भले ही आप एकादशी का व्रत करते नहीं है तो भी कृपया चावल, मसूर, चना, मटर ये चीजें बिल्कुल भी न खाएं। एकादशी यदि दूध और सब्जियों के ऊपर किया जाए, सब्जी भी वह है जो फलियार में चलती है वही सब्जी ली जाए, सैदा नमक लिया जाए और दूध के ऊपर इसको किया जाए तो इस एकादशी का महत्व तो अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आगे मैं आपको पारण के टाइम की बात बताऊंगा और अगली वीडियो में मैं आपको निवेदन करूंगा कि प्रदोष कब का है। जब एकादशी का पारण किया जाता है तो अनजान में होने वाला जो भगवत अपराध है वो पारण करने से उसका प्रायश्चित हो जाता है। पारण में 3 बार केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नमः बोल करके हाथ में गंगाजल और तुलसी पत्र लेकर के पारण किया जाता है तो उससे एकादशी की महिमा और बढ़ जाती है। अगली वीडियो में मैं एकादशी महात्म्य कथा और पारण का समय आपको बताने वाला हूँ। ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहिएगा अध्यात्म और धर्म से, तो बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगी। यदि वीडियो ठीक लगी है तो इसको कृपया आगे शेयर करना न भूले, इसको आगे भेजें जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सके। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, एकादशी 1 फरवरी बुधवार की ही है और एकादशी आप 1 फरवरी बुधवार को ही करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आ सकें तो 1 फरवरी को सीधा वृंदावन पधारिए, जो कि माघ शुक्ल पक्ष में जाए एकादशी में एकादशी का उद्यापन होने के लिए जा रहा है और मैं भी उस समय आपको वृंदावन में ही मिलूंगा। मैं 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख यानी 3 फरवरी तक हम वृंदावन में हैं। जो भक्त लोग सीधा वृंदावन आना चाहते हैं जरूर पधारिए। जो एकादशी का उद्यापन जिन भक्तों का हो रहा है उनका भी आप दर्शन कर लीजिए और देखिएगा एकादशी का उद्यापन किस विधि के साथ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गो माता, जय राधे श्याम।